Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नीजर्स। बड़ी ईद की आमद आमद है और बड़ी ईद के हवाले से अब हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते जाएंगे, आसान और घर के मसालों से तैयार होने वाली। ठीक है, आज हम बनाएंगे कीमा आलू, बीफ का कीमा और आलू, लेकिन कीमा भी वो जो हमने हाथ से करवाया है, मशीनी कीमा नहीं, दरदरा कीमा और साथ इसके आलू। तो बनेगा आज कीमा आलू। सबसे पहले प्रेशर कुकर लेके इसमें हसबे जरूरत मैंने घी डाल लिया। अब इसमें स्लाइस किया हुआ इस तरीके से प्याज डाल देंगे। कीमे का जो वजन रखा है वो मैंने 1 किलो रखा है और प्याज जो है वो 2 दरमियाने साइज के मैंने स्लाइस करके इसमें घी में डाले हैं। अगर वजन देखा जाए प्याज का तो तकरीबन ये 1 पाव से थोड़ा सा कम होगा, 200 ग्राम के लगभग ये प्याज होगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे आलू। ठीक है, आलू जो है वो हमने इस तरह क्यूब की तरह काट लिए हैं, दरमियाने साइज के छोटे छोटे पीसेस। ये देखें, अब ये प्याज में डाल के तो तकरीबन हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इनको फ्राई करना है। अच्छा व्यूअर, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं, नीचे से मैं फ्लेम को ऑफ करने लगा हूँ। फ्लेम ऑफ करके प्याज और ये जो आलू हैं ये हम इस प्रेशर कुकर में से रिमूव करके सेपरेटली एक बर्तन में रख लेते हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, हमने प्रेशर कुकर को खाली कर लिया है और अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 टेबल स्पून भर के। रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आपको मिलेगा। इसको लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम नीचे से मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं कीमा। ये देखें, बीफ का कीमा हमने अच्छे से धो के तो इसको साफ कर लिया था। तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये दरदरा, ये हाथ से तैयार किया हुआ कीमा है। ठीक है, तो ये कीमा आप घर में भी अगर बाहर मशीन से ना बनवा सके तो आप ये घर भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, जाल की तरह होता है, लेकिन खाने में इसको आप समझ लें कि कोई और चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब इस तरीके से हम ये कीमा इसमें डाल के तो तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। हाँ जी, 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें जो कीमा है इसने पानी भी रिलीज़ किया है। तो अब यहाँ पे 5 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक हम शामिल कर रहे हैं, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को रख लीजिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक, कम तीखा खाएँ कम डालें, ज़्यादा तीखा खाएँ तो ज़्यादा डाल दें। ठीक है, इसके साथ 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे हल्दी पाउडर की और उसके बाद इन मसालों को ज़रा सा करेंगे मिक्स। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि कीमे का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, कीमे का पानी तकरीबन ड्राई होने लगा है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे और दही डाल के तो इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दही हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 100 ग्राम के लगभग। ठीक है, तो अब इसको ज़रा सा फ्राई करते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप आपको शेयर करते हैं। अच्छा जी, मसाले को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी जो है हमने कीमे के मुताबिक शामिल करना है, उतना पानी जिसमें ये हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे प्रेशर को और उतनी देर तक इसको प्रेशर लगा रहने देंगे जब तक ये हमारा कीमा ना गल जाए। इसको प्रेशर लगा लेते हैं जी। अब हमने इसको लगा दिया प्रेशर। अब इसके साथ अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं कि मैंने एक कढ़ाई और ले ली और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला। घी हमने ज़्यादा नहीं डालना अब इस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी हमारा कीमे में घी मौजूद है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल थोड़ा सा घी लेना है और इसमें हम शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटरों का जो वज़न है वो तकरीबन मैंने 0.5 किलो के लगभग रखा है, 400-450 ग्राम ये था। इसको हमने बिल्कुल बारीक चुम्बक जो है ना काट के इस तरह घी में डाल दिया। अब हमने इस टमाटर को इस घी में फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे। अभी 10 मिनट गुजर चुके हैं टमाटर को फ्राई करते हुए। अब इसमें शामिल करेंगे जो आलू और प्याज हमने पहले फ्राई करके रख लिया था वो देखिए हमने अब इस स्टेज पे आके इन टमाटरों के अंदर हमने डाल लेना है। ठीक है जी, ये डाल लेने के बाद इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करके तो मज़ीद इसको हम 10 मिनट का दम दे देंगे। अच्छा, फ्लेम उतना होना चाहिए जब हम चावलों को दम देते हैं तो जितना उसके नीचे हम फ्लेम रखते हैं ना बिल्कुल जीरो, उतना जीरो हमने फ्लेम रख देना है और इसको कवर कर लेना है कढ़ाई को। कवर करके इसको पूरे 10 मिनट का दम दे देंगे दोबारा। अच्छा, 10 मिनट का दम हो गया है, कवर उठा लेंगे
और उसके बाद इसके कढ़ाई के नीचे जो फ्लैम चल रहा है उसको ऑफ कर देंगे। इधर हमारे प्रेशर का भी टाइम पूरा हो गया है, प्रेशर कुकर के नीचे से भी चूल्हा ऑफ करते हैं और प्रेशर कुकर की स्टीम निकलने देते हैं। फिर इसके बाद आपसे अगला स्टेप शेयर करते हैं। ये लें जी व्यूअर्स, हमने प्रेशर को खोल लिया है, माशाल्लाह से कीमा हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट और बेहतरीन जबरदस्त हो चुका है। अब हमने इस कीमे को, ये देखें, ये जो हमारे पास मसाला तैयार था कढ़ाई में, ये सारा इसमें डाल दें। ये देखें मैंने सारा इसमें डाल दिया। अब कढ़ाई के नीचे से फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके तो इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये देखें इसको मैंने इस तरीके से कर लिया। ये फ्लेम को थोड़ा सा हमने तेज रखना है और साथ ही इसमें हमने शामिल कर लेना है गरम मसाला। गरम मसाला कोई सा भी आप डाल सकते हैं, घर का बना हुआ भी डाल सकते हैं, बाहर का भी बना हुआ डाल सकते हैं। ये गरम मसाला डाल लेने के बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और हरा पुदीना। पुदीना अगर आप डालना चाहें आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हरा धनिया और हरा पुदीना दोनों बारीक चॉप किया हुआ इस तरीके से डालूँगा। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल लेंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त शानदार किस्म की खुशबू आने लगी है। इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ईद पे चूँकि गोश्त का जो है वो मौसम होता है, हर तरफ गोश्त ही गोश्त होते हैं, बीफ होता है, मटन होता है, मुख्तलिफ रेसिपीज चाहिए होती हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी के साथ अगर हम चीज़ बनाएंगे तो उसका मज़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप तकरीबन 2 से 3 मिनट थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको सर्व कर देंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।